है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंडेक्स नंबर। जो इंडेक्स नंबर को कुछ सर्टेन टेस्ट किए जाने पर हमको ये पता चलता है कि वो एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। तो एक आइडियल इंडेक्स नंबर को कुछ जो सर्टेन जो टेस्ट है उसको पास होना चाहिए। कैसे कैसे है, यूपीएससी एग्जामिनेशन देने के लिए या फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, उसी तरह एक इंडेक्स नंबर को भी ये करना पड़ता है। और जो पहला है टाइम रिवर्सल, रिवर्सल टेस्ट। अब ये देखो, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इंडेक्स नंबर शुड पजेस। एक रिवर्सिबिलिटी जो होता है कि इंपॉर्टेंट जो इसका मतलब क्या करते हैं प्रॉपर्टी, जो इंडेक्स नंबर को फॉलो करना चाहिए या होना चाहिए। और आप कह सकते हैं गुड इंडेक्स नंबर शुड ऑलवेज सैटिस्फाइड द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन है उसको करता है सिंबॉलिक रूप से, सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला वर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, रिवर्स कर देना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये वन आपका करंट पीरियड बता रखा है और जीरो बेस्ट पीरियड, इसको अगर हम पलट देंगे, ठीक है, जीरो वन, ठीक है, बेस्ट पीरियड पहले आएगा और बाद में आएगा करंट पीरियड, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू वन। अगर ये टेस्ट अगर कोई भी हमारा इंडेक्स नंबर पास करता है तो हम उसको कहते हैं दे हैव अ क्लियर टाइम रिवर्सल टेस्ट। गॉट इट, समझा जी। और एक फीसर, जो फीसर का जो इंडेक्स नंबर है, कल हम लोगों ने एफ वाला पढ़ा था, फीसर का इंडेक्स नंबर, फीसर इंडेक्स नंबर एक आइडियल इंडेक्स नंबर है। जो टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो लेटर ऑन पार्ट ऑफ दिस क्लास आई विल डिस्कस, दोनों को पास करता है। तो फीसर इंडेक्स नंबर, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर आपका फीसर का, ठीक है, जो होगा वो आपको कुछ नहीं करना है, कोई रिमेंबर नहीं करना है, ये एल इंटू एस होता है, एल इंटू एस एल पी, ठीक है। एल मतलब क्या होता है, लेंथ पीरे, और पास दोनों का प्रोडक्ट है, पास इंडेक्स, ठीक है। तो एल वाला करने के लिए हम कल क्या सिखाए थे, कोई फॉर्मूला यहाँ करना नहीं, सबसे पहले तुमको ये करना है रिलेटिव जो होगा, तो ये P1 होता है और ये P0 होता है, और जो बेट होता है लेस पीरियड में वो हम देते हैं बेस पीरियड की क्वांटिटी से, तो Q0 Q0। और पास वाला में क्या करते हैं, ये तो P1 और ये सब जगह सेम होगा, लेकिन इसका जो बेट देते हैं वो करंट पीरियड की क्वांटिटी से। ये मेरा फीसर वाला बन गया। जब फीसर वाला ये बन गया तो हमारा ये जो पी 10 जो जनरली हम इसको किए हैं, अब इसको रिवर्स करेंगे, मतलब है कि जहां पर आपको देखो रिवर्स करना बहुत ही इजी है, ठीक है। रिवर्स करने का मतलब है, हम यहां करके दिखा देते हैं, नीचे रिवर्स कर रहे हैं, तो जो जीरो है उसको पहले लिखेंगे वन। आपको यहां क्या करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, जहां वन है वहां जीरो लिखना है, और जहां वन है वहां जीरो लिखना है, और जहां जीरो है तो वहां वन कर देना है। तो देखो कितना सॉलिड आप काम कर सकते हो। अब इसी को देख देख के हमको करना है, ठीक है। स्वास्तिका, एकदम आसानी से हो जाएगा, देखो सब जीरो करो, जीरो ये वन होगा, पी वन क्यू जीरो। अब ये दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे, पी वन जीरो इंटू जीरो वन, ठीक है, और ये अंडर रूट रहेगा, ओमिट करना है 100 जो मल्टीप्लाई होता था यहाँ पर, उसको ओमिट करना है, ठीक है, हम इसलिए 100 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसको ओमिट करोगे तभी ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास करेगा। तो यहाँ भी आप उसी तरह लिख सकते हो, कोई फार्मूला अपने से लिख सकते हो, वहां देखने की जरूरत नहीं है। ये जो ओरिजिनल फार्मूला है जो पी वन जीरो, तो ये होता है, इसको वेट दिया जाता है लेस पीरियड में बेस पीरियड के क्वांटिटी से, ठीक है, कोई फार्मूला दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पी वन बाय पी जीरो, और इसमें करंट पीरियड पे दिया जाता है,
ठीक है, यही किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा है 01 लिखना है, तो जहां पर 1 है वहां 0 करेंगे, जहां 0 है वहां वो 1 कर देंगे। तो यहां पर हम करते हैं P0 Q1 T1 Q1 इक्वल टू P0 Q0 और P1 Q0। तो कुछ कुछ कटेगा, देखो ये कैंसिल, अब ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऑब्वियसली ये 1 आएगा, इसका रूट निकालो 1। तो ये टैम रिवर्सल टेस्ट जो है पास करेगा, टैम रिवर्सल टेस्ट पास करेगा, सैटिस्फाइड किया, ठीक है, सैटिस्फाइड।